दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक गाड़ी आई हुई है अपने गाड़ी पे जनरेटर सेटअप करने के लिए। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ई रिक्शे में जनरेटर सेटअप किया जाता है। तो देखिए, ई रिक्शे में जनरेटर सेटअप करने के लिए सबसे पहले रिक्शे का जो ड्राइविंग सीट है उसके नीचे का जो बॉक्स है उस बॉक्स को पहले कटिंग करना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, रिक्शे का जो ये वाला पार्ट है उसको पहले कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस बॉक्स में आपका जो जनरेटर है सेटअप हो जाएगा। अभी दोस्तों जनरेटर का जो पूरा सेटअप है वो आपको पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए वो अंदर रखा हुआ है, तो चलिए अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आपका पूरा सेटअप है जनरेटर का। और दोस्तों इस इंजन का जो प्राइस है वो आपका 20,000 से लेके 25,000 के आसपास। और इसमें दोस्तों आप पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन किसी भी तेल पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में दोस्तों ये आपका अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर तक सर्विस माइलेज देता है। और दोस्तों ये इंजन आपका 4 बैटरी के रिक्शे के लिए है, यानी कि जो जिसमें आपका 48 वोल्ट है जिस रिक्शे में उसके लिए है, ठीक है। और दोस्तों आप अगर चाहें तो इसको घर पे भी सेटअप कर सकते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार की वाटर पंप है, वाटर पंप का जो पंप सेट है उसको अलग किया गया है। बाकी इसमें जो भी कंपोनेंट्स है जैसे कि आपका डायनेमो, कंट्रोलर, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस इंजन से दोस्तों आपको 1.5 किलोवाट का एनर्जी मिलता है, जो कि ई रिक्शा के 4 बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक सेल्फ स्टार्ट बटन भी दिया जाएगा, और आप अगर चाहें तो इसको मैन्युअली आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक यहाँ पर रस्सी मिलेगा, रस्सी को खींच के आप स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर डायनेमो है, डायनेमो घूमता है, डायनेमो घूम के दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिसिटी देखिए ये 3 तार के थ्रू इसमें आ जाता है। तो देखिए ये आपका जॉइंट बॉक्स है, इसमें आपका जो है एसी करंट आता है, ठीक है। एसी करंट फिर से देखिए इन 3 तारों में, 3 तारों से देखिए कंट्रोलर में आ जाता है। कंट्रोलर जो है दोस्तों ये आपका एक प्रकार के रेक्टिफायर है, ये दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है, एसी को डीसी करता है और वोल्टेज जो है उसको डाउन करता है। तो देखिए ये जो तो 2 तार कंट्रोलर से निकला है, यही दोस्तों 48 वोल्ट का सप्लाई है। तो देखिए ये 2 तार आपका सीधे बैटरी पर आ जाएगा, ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो देखिए ये आपका 48 वोल्ट का एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है जो कि आपका जनरेटर से मिला है। तो ये 2 तार आपका बैटरी पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेन जहाँ पर 48 वोल्ट का जॉइंट बॉक्स है उसी में। और दोस्तों देखिए ये ऑयल टैंक है, इसमें आपको तेल डालना पड़ता है। देखिए ये ऑयल टैंक का कैप है। और दोस्तों देखिए ये स्पीड कंट्रोलर है, यानी कि इंजन का स्पीड को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए आपको आगे दिखा देता हूँ। आगे देखिए इसका साइलेंसर पाइप है, देखिए ये आपका साइलेंसर पाइप है, ठीक है। और दोस्तों इस जनरेटर के बारे में आपका क्या राय है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दूसरे वीडियो पे इस इंजन को ई रिक्शे पे सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखिए लाइक का बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल पे आपको ई रिक्शे के टोटल रिपेयरिंग के काम सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप अगर ई रिक्शा के काम सीखना चाहते हैं या फिर आप अगर ई रिक्शा चलाते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो पिछले वीडियो पे आपको मिल जाएगा, तो जाके वीडियो को देख लीजिए।